Hello students of class 4, in this video today I will teach you science chapter 8 about safety at home in the kitchen. The first point in the kitchen of rules is make use of cotton cloths or tongs to handle hot objects. Make use of cotton cloths और टोंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स. इट मीन्स हमें गर्म चीजों को पकड़ने के लिए किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं, चूल्हे पर चढ़ाए हुए होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, तो उनको हमें पकड़ने के लिए कॉटन क्लॉथ यानी सूती कपड़ों का यूज करना चाहिए और टोंग्स इट मीन्स चिमटे का यूज करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट ट्राई to light the gas stove by yourself. Do not try to light the gas stove by yourself. हम आप लोगों को गैस स्टोव की लाइट जलाने के लिए खुद से कोशिश नहीं करना चाहिए. आप ये अभी आप लोग बहुत छोटे हैं. नंबर थर्ड इज डू नॉट प्ले विथ नाइफ मैच बॉक्स एक्सेट्रा. इफ यू हैव टू यूज अ नाइफ और मैच बॉक्स यूज दीज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. आप लोगों को क्या करना है, नाइफ और मैच बॉक्स को खुद से हैंडल नहीं करना है. क्या है, डू नॉट प्ले विथ नाइफ मैच बॉक्स एक्सेट्रा इफ यू हैव टू यूज अ नाइफ और अ मैच बॉक्स यूज दीज in the presence of an adult. Do not play with knife, matchbox, etc. if you have to use a knife or matchbox, use these in the presence of an adult. आप लोगों को matchbox यानी matchbox जो होते हैं जिसे हमें जलाने के काम में आते हैं, तीली होते हैं उसमें, उसे या नाइफ यानी चाकू को से खेल नहीं करना चाहिए. अब यदि आप लोगों को जरूरत पड़ गई मैच बॉक्स की कोई यूज करने की या नाइफ की, तो उन्हें बड़ों के सामने उनकी देखरेख में उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए. नंबर फोर्थ इज सिंथेटिक क्लॉथ कैच फायर इजिली. अवॉइड वेयरिंग दीज व्हाइल वर्किंग इन द किचन. Instead, wear cotton cloths. Number four is synthetic cloths catch fire easily. Avoid wearing these while working in the kitchen. Instead, wear cotton cloths. It means synthetic cloth जो होते हैं, synthetic कपड़े जो होते हैं, वो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं. इसलिए उसे avoid करना चाहिए, उसे इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए अगर किचन में कोई काम कर रहे हो तो. वहां पर आग के पास कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें सिंथेटिक कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, हालांकि बल्कि कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए. सूती कपड़े पहनकर ही हमें किचन में काम करना चाहिए. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे. योर होमवर्क इज टू रिमेम्बर दिस. थैंक यू.